आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन की गंभीरता को समझने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूचना। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द किया। अब महापौर उप महापौर के चुनाव की ओर नजरें। महानगर भाजपा अध्यक्ष के वीडियो से मचा हड़कंप। विधानसभा का संयुक्त सत्र 14 फरवरी से। जारकीहोली बंधुओं के खिलाफ सीएम से शिकायत दर्ज। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने सोमवार को दी है। वो स्वास्थ्य संघ के निर्देशक मंडल के बैठक में बोल रहे थे। ओमिक्रॉन को दुनिया को ज्ञात हुए केवल 9 सप्ताह हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य संगठन को ऐसे 8 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। ये कुल मिलाकर 2020 में रोगियों की कुल संख्या से अधिक है। अधिक उत्परिवर्ती प्रकार के कोरोना पाए जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस साल के मध्य तक दुनिया की 70% आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। सहानुभूति रखने वालों पर जोर दिया जाएगा। परीक्षणों की संख्या में वृद्धि, संक्रमण दर और नए उत्परिवर्तन पर नजर रखना, ताकि हम इस साल इस संकट से बाहर निकल सके, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है। विपक्षी समूहों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए केंद्र से जानकारी लेने के लिए मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में एक प्रस्ताव का आह्वान किया। अध्यक्ष कार्यालय में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव को कथित तौर पर गाली देने और बहकाने की कोशिश करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए निलंबन रद्द किया। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। भास्कर जाधव उस समय पीठासीन अधिकारी थे। उसके पीछे दौड़ने और गाली देने के लिए उसे निलंबित कर दिया गया था। इस बीच निलंबित विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका पिछले कई दिनों से लंबित थी। कोर्ट ने आखिरकार ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब महापौर उप महापौर चुनाव की ओर नजरें। नगर निकाय चुनाव के 4 महीने बाद मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में घोषणा की गई है कि महापौर के पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए और उप महापौर के पद के लिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए दोनों पदों पर महिला पार्षद बैठेंगी। इन पदों पर नियुक्ति की तिथियाँ भी विचाराधीन है। बेलगाम नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की घोषणा जल्द की जाएगी। सरकार पहले ही दोनों पदों पर आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। इस बीच फरवरी के पहले सप्ताह में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रबल संभावना है। फिलहाल इसी आरक्षण के बाद मेयर पद के लिए पार्षदों के घेरे में पार्षद सारिका पाटिल का नाम आगे चल रहा है। मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए आरक्षण की घोषणा होने के बाद दोनों पदों के आकांक्षी नगर सेवकों ने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। मेयर पद की दौड़ में वाणी जोशी, सविता पाटिल और सारिका पाटिल के नामों पर चर्चा हो रही है। भाजपा के अधिकांश सदस्य बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, इसलिए महापौर का पद दक्षिण और उप महापौर का पद उत्तर निर्वाचन क्षेत्र को देने का निर्णय लिया जाएगा। इस सिलसिले में बीजेपी दक्षिण से अभय पाटिल का फैसला अंतिम होगा। महानगर भाजपा अध्यक्ष के वीडियो से मचा हड़कंप। महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। खास बात यह है कि शशिकांत पाटिल के ही मोबाइल से वायरल हो गया है। नतीजतन कांग्रेस नेताओं ने इसका फायदा उठाया है और अश्लील विरोध दर्ज कराया है।
जब शशिकांत पाटिल चुनाव प्रचार के लिए गोवा जा रहे थे तब उनका एक वीडियो प्रसारित किया गया, इसलिए बीजेपी का किराया बढ़ गया है। इस संबंध में खुद शशिकांत पाटिल ने सफाई दी है। वायरल वीडियो के पीछे हाथ रहने वाले शख्स की तलाश की जा रही है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की। विधानसभा का संयुक्त सत्र 14 फरवरी से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में होगा। इससे पहले कर्नाटक राज्य विधानसभा का संयुक्त सत्र 14 से 25 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये भी घोषणा की गई है कि सरकार भविष्य में अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तत्परता दिखाना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जारकीहोली बंदों के खिलाफ सीएम से शिकायत दर्ज। बीजेपी इस समय राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ भी शिकायतें बढ़ रही है। पार्टी के अन्य नेताओं ने मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। हाल ही में एक बैठक में कई लोगों ने जारकीहोली बंधुओं की हरकत पर नाराजगी जताई। आरोप था कि रमेश जारकीहोली का भाईचारा पार्टी में कारक था। लोकसभा चुनाव में बेलगाम के अधिकांश सांसदों ने बहुत अधिक वोट गंवाए और उन्हें भारी जीत के लिए समझौता करना पड़ा। पार्टी नेताओं ने भी इस पर विचार करने की मांग की है। ये भी आशंका थी कि विधान परिषद के बाद आने वाले चुनाव में पार्टी को जारकीहोली से कड़ी टक्कर मिलेगी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। पता चला है कि शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री के साथ स्थिति पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटक, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaum vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हर मनुष्य को अपने जीवन में रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान एक महान दान है जिसे सभी को कम से कम एक बार रक्तदान करना चाहिए, ऐसा बेलगाम तालुका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शिवानंद मास्तिहोली ने कहा। वे यहाँ महावीर भवन में जीतो एवं औषधि नियंत्रण विभाग बेलगाम के जीतो विभाग, चिरायु फार्मा, अथर्व फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर बोल रहे थे। रघुराम यन, सहायक नियंत्रक औषधि नियंत्रण विभाग, गिरीश, अध्यक्ष कर्नाटक ब्लड बैंक एसोसिएशन, विक्रम जैन, सचिव जीतो केकेजी जोन, मुकेश पोरवाल, उपाध्यक्ष जीतो बेलगाम डिवीजन, महानदेश रमन्ना, जीतो बेलगाम सचिव अमित दोषी और अन्य ने भाषण दिए। इस विशाल रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड 432 लोगों ने रक्तदान किया। संचालन प्रवीण खेमलापुरे ने किया। खानापुर नगर पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर प्रकाश बैलूरकर चुने गए।
गुरुवार को खानापुर नगर पंचायत की आम बैठक हुई, जिसमें वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रकाश बेलूरकर को स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया। स्थायी समिति के सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष लक्ष्मी अंकलगी, अपया कोडोली, विनायक कलाल, विनोद पाटिल, मीनाक्षी बेलूरकर, रफिक वारीमणि, नारायण मयेकर, राजश्री टोपिनकट्टी, जया भुतकी और सायरा संधी को चुना गया। इसे नगर पंचायत में सत्तारूढ़ दल में हड़कंप मच गया। मेयर मजहर खानापुरी की अध्यक्षता में खानापुर नगर पंचायत की आम बैठक हुई। एजेंडे सभी विषय समाप्त होने के बाद स्थायी समिति के चयन का मुद्दा शुरू हुआ। उस समय नगर सेवक प्रकाश बेलूरकर ने महापौर को स्थायी समिति के लिए 11 पार्षदों की सूची दी थी। उस समय 11 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर की पुष्टि के बाद उन सभी के चयन की घोषणा की गई। इस चुनाव के बाद स्थायी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में प्रकाश बेलूरकर के नाम की घोषणा की। नियति फाउंडेशन से खानापुर कॉलेज को लाखों की बेंच भेंट। नियति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने करीब 1,00,000 रुपए की 40 बेंच दान की। गुरुवार को कॉलेज में आयोजित एक समारोह के दौरान पीठ को कॉलेज प्रशासन को सौंपा गया। भाजपा शक्ति केंद्र प्रमुख विट्ठल निदगलकर, ग्राम पंचायत सदस्य सुरेश गंदिकवाड़, भाजपा नेता ईश्वर सानिको, प्राचार्य डॉक्टर डीएम जवलकर, डॉक्टर सीबी ताबोजी, कॉलेज में बीबीए, बीए और बीकॉम इन शाखाओं में 1,000 छात्र पढ़ रहे हैं। बेंचों की संख्या आवश्यकता से कम थी, ये जानकारी डॉक्टर सोनाली सरनोबत को मिलते ही उन्होंने बेंच उपलब्ध करा दी। बेंच प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने गवाही दी कि वो भविष्य में खानापुर तालुका के छात्रों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शिक्षकों के लिए विज्ञान कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हाल ही में 10वीं कक्षा के विज्ञान शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला यह वनिता विद्यालय में आयोजित की गई। अतिथि के रूप में समूह शिक्षा अधिकारी रवि बजंत्री, स्कूल की प्रधान अध्यापिका शालिनी हुदली, फोरम के अध्यक्ष सुरेश जोशी और नोडल अधिकारी सुरेश कल्लेकर उपस्थित थे। इन अतिथियों ने शिक्षकों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। कार्यशाला को दर्शन करने के लिए सचिन पवार, सुरेश भातकांडे और सुनीता पाटिल ने विशेष सहायता प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन शीतल देसाई ने किया। सुनीता कोरगल ने अतिथियों का स्वागत किया। अश्लेषा मालेकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन द्वारा गोकाक में व्हीलचेयर का वितरण। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन ने गोकाक तालुका में 11 स्थायी रूप से विकलांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित किया है। गोकाक समूह शिक्षा अधिकारी ने तालुका में 32 चयनित जरूरतमंद विकलांग बच्चों के परिवारों को व्हीलचेयर, वॉकर और श्रवण यंत्र प्रदान करने के लिए सुरेंद्र शिवाजीराव अनगोलकर फाउंडेशन की जरूरतमंद शाखा के लिए मदद का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर हेल्प फॉर नीडी ने गोकाक तालुका में 11 स्थायी रूप से विकलांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित की। हेल्प फॉर नीडी के प्रमुख सुरेंद्र अनगोल को शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। हेस्कॉम में करोड़ों का घोटाला, 20 अधिकारी निलंबित। अथनी हेस्कॉम कार्यालय के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली कार्यों के लिए स्वीकृत हर राशि की कागजी कार्रवाई से करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। हालांकि वरिष्ठों द्वारा राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये कार्रवाई हुबली में हेस्कॉम के प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने की। निलंबित 20 में से 16 इंजीनियर है। ये पहली बार है कि इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ निलंबित किया गया है और इसे अथनी तालुका सहित जिले में हड़कंप मच गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहायक कार्यकारी अभियंताओं के साथ साथ नोडल अधिकारी, लेखा अधिकारी और लिपिक शामिल है। अथनी एस्कॉम कार्यालय के बारे में कई शिकायतें लोकायुक्त के साथ साथ रिश्वत रोकथाम विभाग के पास की गई थी। इन पर संज्ञान लेते हुए हुबली की एक वरिष्ठ टीम ने 14 सितंबर को कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में छापा मारा। इस वक्त कर्मचारी हर काम में नियम तोड़कर धन का दुरुपयोग करते पाए गए। BCCI की रणजी ट्रॉफी 2 चरणों में आयोजित करने की योजना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि देश के कोरोना के तेजी से बढ़ने के कारण प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की योजना 2 चरणों में बनाई जा रही है। रणजी ट्रॉफी, जिसमें देश भर से 38 प्रथम श्रेणी की टीमें शामिल है, 13 जनवरी से शुरू होने वाली थी। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के कारण टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
सरकार स्पोर्ट्स गांधीनगर में राजा शिव छत्रपति कप। सरकार स्पोर्ट्स गांधीनगर ने शिवसेना स्पोर्ट्स क्लब मुदगा द्वारा आयोजित राजा शिव छत्रपति कप लिमिटेड ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमोल, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज शरीफ, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रभाकर पाटिल को दिया गया और मैन ऑफ द मैच सीरीज का पुरस्कार प्रमोद इंगले को 2,500 रुपये नकद और ट्रॉफी के साथ दिया गया। रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022 उत्साह के साथ संपन्न। बेलगाम रोलर स्केटिंग अकादमी द्वारा आयोजित रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022 उत्साह के साथ संपन्न हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खासबाग श्रृंगारी कॉलोनी के ड्रीम स्केटिंग रिंक में आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 160 स्केटर्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि संतोष श्रृंगारी, तुकाराम शिंदे, सिद्धू संबरगी, शंकर कामले, सतीश कुमार, प्रकाश शाहपुरकर, श्री सुनील, स्केटिंग प्रशिक्षक सूर्यकांत हिंडलगेकर की उपस्थिति में हुआ। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।